ये है हमारा बैग, ये है मेरे सामान। अपने तो मजे है भाई साहब। भाई हल्का सा खाना खा रहे हैं, फिर निकलना है बॉर्डर पे, नहीं मतलब सिटी पे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और दूसरे व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, सीन कुछ ऐसा है कि आज रात में है अपनी ट्रेन, तो जो भी ट्रेन की जर्नी रहेगी उसको दिखाएंगे। फिर सुबह दिल्ली में कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ रुक रहे हैं, कितने दिन के लिए रुक रहे हैं, दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट कब है, तो एक एक डिटेल अब मैं दूंगा आपको। अब जितने भी व्लॉग आने वाले हैं सब धमाकेदार और बढ़िया होने वाले हैं। भाई हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल पैकिंग, और काफ़ी मैसी सा रूम हो रखा है, फिर भी एक झलक दिखाते हैं आपको। ये है हमारा बैग, ये है मेरे सामान, ये हैं पूजा के सामान, थोड़े बहुत जो भी हैं, अभी काफ़ी चीज़ें हैं। बैग है, बैग रेडी कर रहे हैं, बहुत सामान लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वेट लगेज वेट का वो दिक्कत होने लगता है। 30 किलो तक ही डोमेस्टिक फ्लाइट में अलाउ है, तो उसको भी देखना है। और कुछ बाहर जा रहे हैं तो शॉपिंग बाहर से करेंगे, तो कपड़े उधर ही से ले जाएंगे, इसलिए जितने मिनिमम कपड़े हो सकते हैं उतने मिनिमम कपड़े लेके जा रहे हैं ताकि बाद में भर सकें ना। आ गए हैं अपने प्रयाग स्टेशन, ये बैग लगेज रखे हैं, निमास है, लोग बैठे हुए हैं। हाय बोलो सब लोग। ये भाई कुछ प्रयाग स्टेशन है, अंदर का है, इंक्वायरी वाला हिस्सा है, इधर इंक्वायरी वाला हिस्सा, सॉरी। बाकी ये सब भारत का सबूत है, अपने इंडिया में आपको ये दिखेंगे, नहीं दिखे तो फिर आपको आप समझ जाना कि आप इंडिया में नहीं हो। बाकी कुछ ऐसा माहौल है प्रयाग जंक्शन का, इसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था। बाकी उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब ऐसे रेलवे स्टेशन हैं काफ़ी अच्छा उन्होंने बना दिया है, पर प्रयागराज को उतना अच्छा नहीं बनाया मेरे हिसाब से। जैसे लखनऊ हो गया या वाराणसी हो गया, काफ़ी अच्छा डेवलप करते हैं, उस हिसाब से स्टेशन का उतना डेवलपमेंट नहीं है। बाकी साफ सफाई है, और ये तो मेन हिस्सा है, मतलब मेन हिस्सा बोले तो प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 साइड, मतलब आगे वाला हिस्सा है, साफ सफाई इतना तो दिखेगा ही, पर उस साइड से हम नहीं रहते तो जानते हैं इतना ज़्यादा साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। और फिर भी बाकी एक बार सोचा बाहर से दिखाना चाहिए, बाहर से कुछ ऐसा है सिंपल सोवर, इंग्लिश में, हिंदी में, और ये उर्दू में। बाकी ये ओवरऑल व्यू है, आर्मी वाले भाई लोग अपने हर जगह तैनात हैं। क्यों कुछ बोली तो तुरंत जाई, मुस्कुराइए आप पूर्वांचल में। आप भी चलिए, अपने तो मजे है भाई साहब। हेलो, सुबह सुबह की मगजमारी अलग है भैया। ये लो चाचा। We will fly above the sky. We are heroes tonight. दीदी के फ्लैट पे, मेरी कज़न दीदी रहती है यहाँ पे। ये दिखाते हैं थोड़ा छोटा सा गला,
क्या हो रहा है भाई? ओ क्यूटी 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 क्यूटी, इसके गाल पे मच्छर काट लिया। हाँ। क्या हो रहा है भाई, तुमको भी फेमस कर देंगे। अभी जाएंगे थोड़ा वो शॉपिंग करने, तो दिखाते भाई। हल्का सा खाना खा रहे हैं, फिर निकलना है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सीपी। अच्छा, अरे याद तो कर लो, कहाँ जा रहे हैं? सीपी। सीपी क्या? सीपी क्या है? फ्लैट पॉसिबल? नहीं। तब क्या है यार, मत पूछो ये सब। अरे क्या है सीपी? अब जो है वहीं जाके दिखाएंगे। और मेट्रो आ गए भाई अपने, बस अपनी आने वाली है। यहाँ से राजीव चौक जाएंगे, वहीं पे शॉपिंग। तो आ गए हैं गाइस, आ गए हैं बॉर्डर पे, नहीं मतलब सिटी पे। ये चलते हैं। इधर ही चलना है ना? हाँ चलो। आगे ओ ये रुको 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 मजा आया। दिल्ली की पब्लिक इतना रश है, लेकिन मजा भी है इसी में। तो भैया चले चलो, कहाँ चलना है? कहाँ गए लोग? आओ देखो, आए हुए हैं बेल्ट लेने। यहाँ प्योर लेदर की बेल्ट मिलती है 6 रेट में। इसकी गारंटी है कि प्योर लेदर रहेगा, मतलब लेदर की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ सही रेट में है और प्योर है। ये कैनाट प्लेस पे ये शॉप है। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो भाई घर आ गए हैं वापस फ्लैट पे। तो सीन कुछ ऐसा है कि अब करेंगे आराम, क्योंकि गए हैं बहुत ज़्यादा थक। तो भाई कल अपनी फ़्लाइट है, तो कल डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 12-1 बजे अपनी फ़्लाइट है। तो फ्लाइट से यहाँ पे डायरेक्ट मतलब शाम तक गोवा पहुँच जाएंगे। फिर गोवा पहुँच के फिर आगे का ब्लॉग फिर अलग ही रहने वाला है। तो अब से ब्लॉग एकदम स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग बस इसी तरह देखते रहो और प्यार बरसाते रहो। भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है वीडियो बनाने में यार, थोड़ी मतलब दिक्कतें होती हैं वीडियो बनाने में, लेकिन अपनी तरफ से तुम्हारा भाई पूरी मेहनत कर रहा है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन पीस।